Hello guys, welcome to eStudent official YouTube channel. Hope all of you guys are well enough in this pandemic situation. Keeping this situation in mind, we also have to keep studying. So we will learn today about the history of quantum mechanics. So let's start. Pehla point hai, ancient Indian history. In India, teachers of Upanishadic era, वो यही सोचते थे कि हमारा जो universe है, इसके अंदर सब चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और इसके पीछे एक रियलिटी है जिसको वो कहते थे ब्रह्म। According to Vedanta, ब्रह्म alone is real. The world as we perceive, starting from the atom to the universe, is nothing but the manifestation of that eternal reality. अब दूसरा पॉइंट है material world and physical world. और ये है न्यूटन। सो मटेरियल वर्ल्ड एंड फिजिकल वर्ल्ड। साइंटिस्ट ने हमारे इस यूनिवर्स को एक मटेरियल की नजर से देखा, मतलब हमारा जो यूनिवर्स है वो एक मटेरियल यूनिवर्स है और इस मटेरियल यूनिवर्स में जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे ट्रूथ या कॉज क्या है वो सब यही खोजने की कोशिश कर रहे थे। बहुत कोशिशों के बाद थर्ड क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी में कुछ साइंटिस्ट ने पार्शियली मिस्ट्री ऑफ फिजिकल यूनिवर्स को डिस्कवर किया, मतलब डिस्कवर किया फिजिकल वर्ल्ड को। इसके बाद आता है न्यूटोनियन मैकेनिक्स एंड इट्स कंक्लूजन। गैलीलियोस डिस्कवरी, न्यूटन्स क्लासिकल मैकेनिक्स, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल, मैक्सवेल्स वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी, establishment of the kinetic theory of gas, thermodynamics, Boltzmann's work on statistical thermodynamics, ये सब ने exact science के ऊपर एक अच्छा sense बना लिया था कि किसी ने ये नहीं पूछा कि what is the reality behind matter? सब ने ये consider कर लिया कि classical physics is the perfect clock of the universe, मतलब classical physics के द्वारा हम सब कुछ explain कर सकते हैं। अब न्यूटोनियन मैकेनिक्स ने हमें दो कंक्लूजन तक लेके गया। पहला, अगर हमें फर्स्ट कंक्लूजन ये था कि अगर हमें किसी भी पार्टिकल का पोजीशन एंड मोमेंटम पहले से मालूम होता है तो हम उस पार्टिकल का फ्यूचर भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। और सेकेंड कंक्लूजन ये था कि पार्टिकल का जो एनर्जी है ड्यू टू ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल मोड्स ऑफ मोशन, दैट एनर्जी कैन बी इंक्रीज्ड कंटिन्यूअसली टू एनी डिग्री बाय कंट्रोलिंग द इंप्रेस्ड फोर्स, द फोर्स एंड टॉर्क्स। इस मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में हमारा एवरीडे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये दो कंक्लूजन बिल्कुल सही है। अब आता है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ये है जे जे थॉमसन और ये है रदरफोर्ड। लेकिन 19th सेंचुरी के एंड में जैसे ही जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया 1897 में और रदरफोर्ड ने प्रोटॉन डिस्कवर किया 1990 में, ये सवाल उठना शुरू हो गया कि व्हाट इज द नेचर ऑफ मैटर। मतलब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ 1897 में और प्रोटॉन 1919 में, कि व्हाट इज द रियलिटी बिहाइंड मैटर, सबने ये पूछ लिया। द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन डाल्टन्स कॉन्सेप्ट ऑफ एटम को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसमें ये कहा गया था कि किसी भी एलिमेंट का अल्टीमेट बिल्डिंग ब्लॉक एटम है, जो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया। अब आता है आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इन 1905। ये है आइंस्टाइन। अब मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम इंटरवल वर कंसीडर्ड टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर। लेकिन आइंस्टाइन ने ये पॉइंट आउट किया कि मास, स्पेस एंड टाइम आर अफेक्टेड बाय मोशन बिटवीन एन ऑब्जर्वर एंड व्हाट इज ऑब्जर्व्ड। इन 1905 आइंस्टाइन प्रपोज्ड हिज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी,
जो न्यूटनियन मैकेनिक्स के साथ एग्री करता है, जब किसी पार्टिकल का रिलेटिव स्पीड लाइट की स्पीड से बहुत ज्यादा कम होता है। लेकिन अगर उस पार्टिकल का रिलेटिव स्पीड लाइट की स्पीड से करीब होता है, तब न्यूटनियन मैकेनिक्स उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है, बल्कि आइंस्टाइन थ्योरी एप्लीकेबल होता है। अब आता है कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी बाय प्लैंक इन 1900। लाइट के वेव कैरेक्टरिस्टिक से हमें इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन ब्लैक बॉडी रेडिएशन से जो स्पेक्ट्रम मिलते हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। इन 1900 प्लैंक ने ऑसिलेटर का क्लासिकल व्यू को रिजेक्ट किया, जो ये कहते थे कि ऑसिलेटर्स कैन एब्सॉर्ब एंड एमिट रेडिएशन कॉन्टिन्यूअसली, और खुद प्लैंक ने प्रपोज किया ऑसिलेटर कैन एब्सॉर्ब और एमिट रेडिएशन ओनली In terms of discrete bundle of energy, और इसका मैग्नीट्यूड है h nu, मतलब जो फ्रीक्वेंसी होता है nu, तो इसके हिसाब से इसका मैग्नीट्यूड होता है h nu। This discrete bundle of energy को उसने कहा quantum। और यही कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके प्लैंक ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ये है प्लैंक। अब आता है आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इन 1905। लाइट के वेव प्रॉपर्टी से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं कर गया था। इन 1905 आइंस्टाइन ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया बाय एक्सटेंडिंग प्लैंक्स कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइज्ड एनर्जी। जिसमें आइंस्टाइन ने कहा कि नॉट ओनली द एनर्जी इज क्वांटाइज्ड ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन और एमिशन ऑफ रेडिएशन बाय ऑसिलेटर, बट आल्सो लाइट कैरीज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट व्हिच इज कॉल्ड फोटोन। उसने इसको कहा This concept of quantized energy suggests that light also behaves as particle. अब आता है spectrum of hydrogen atom explained by Bohr in 1913. Hydrogen atom spectrum को classical theory of electrostatics explain नहीं कर पा रहा था, जिसमें ये कहा गया था कि moving electron will continuously emit radiation, producing continuous spectrum. जो स्पेक्ट्रम हमें मिलेगा वो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, बट जो एक्सपेरिमेंटली स्पेक्ट्रम मिलते हैं वो डिसकॉन्टिन्यूअस है। इस प्रॉब्लम को नील्स बोर ने 1930 में सॉल्व किया, 1913, और ये है बोर। यूजिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन, Bohr proposed that the angular momentum is quantized here. So Bohr ने कहा कि यहाँ पर angular momentum quantized होता है. The outcome of Bohr's theory leads to quantized energy structure of hydrogen atom, which in turn could explain the long-awaited hydrogen spectrum. इसके बाद आता है कॉम्प्टन इफेक्ट, और यह है बीकन कॉम्प्टन। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट मतलब पार्टिकल बिहेवियर ऑफ फोटोन वाज फर्दर एस्टैब्लिश्ड एंड कंफर्मड फ्रॉम कॉम्प्टन इफेक्ट, जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब आता है डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस इन 1924। इन 1905 में आइंस्टाइन ने प्रूव किया लाइट वेव has particle property, और इसके करीब 20 साल बाद 1924 में लुईस डी ब्रोगली ने प्रपोज किया किसी भी मूविंग पार्टिकल का वेव प्रॉपर्टी भी रह सकता है। पार्टिकल का मोमेंटम जितना ज्यादा होगा
उसका वेवलेंथ उतना ही छोटा होगा। मतलब अगर मोमेंटम इंक्रीज होगा तो वेवलेंथ, लेकिन पार्टिकल और वेव बिहेवियर एक साथ बाहर नहीं आएगा, ये रिबोगली ने कहा था। अब आता है कॉन्फर्मेशन ऑफ रिबोगलीज हाइपोथेसिस इन 1927। इन 1927 क्लिंटन डेविसन लेस्टर टर्मर एंड जीपी थॉमसन, ये तीनों ने डी बॉगली हाइपोथेसिस को कंफर्म किया बाय डूइंग एक्सपेरिमेंटली बाय डूइंग एक्सपेरिमेंटल टेस्ट। अब आता है Schrodinger wave equation in 1926. In 1925 late November, Erwin Schrodinger ने डी बॉगली के काम के ऊपर एक लेक्चर दे रहे थे। तभी उसका एक कॉलीग ने कहा, अगर किसी वेव को प्रॉपरली डील करना है तो एक प्रॉपर वेव इक्वेशन होना चाहिए। इसके कुछ हफ्तों बाद इन जनवरी 1926 Schrodinger proposed his famous equation, which is known as Schrodinger's wave equation. With the equation, he solved hydrogen atom problem and successively applied this theory to harmonic oscillator, diatomic molecule, hydrogen atom in an electric field, absorption and emission of radiation, etc. Schrodinger. इसके बाद आता है Heisenberg's uncertainty principle in 1927. In 1927, German physicist Werner Heisenberg ने most significant physical law को discover किया, जो था the uncertainty principle. Uncertainty principle ने ये कहा था कि it is impossible to know both the position and the momentum, position and momentum at of an object precisely at the same time. मतलब अगर पोजीशन एक्जैक्टली मालूम होता है तब अनसर्टेनिटी इन मेजरिंग मोमेंटम बिकम्स इनफाइनाइट। हाइजेनबर्ग की इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का दो एस्पेक्ट ने क्लासिकल मैकेनिक्स का टू बेसिक पिलर्स को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। फर्स्ट एस्पेक्ट था कैजुअलिटी, मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट क्वांटम वर्ल्ड ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। और दूसरा एस्पेक्ट था कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को चेंज किए बिना ऑब्जर्व नहीं कर सकते। अब क्लासिकल एंड क्वांटम मैकेनिक्स, सो वी कैन से क्वांटम मैकेनिक्स ने क्लासिकल मैकेनिक्स की फिलोसॉफी को अफेक्ट किया, लेकिन इनके लॉस को नहीं। सब एटॉमिक वर्ल्ड को क्लासिकल मैकेनिक्स ने डिस्क्राइब नहीं कर सकता, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स ने प्रिसाइसली ये कर सकता है। एक्चुअली क्लासिकल मैकेनिक्स ने नेचर का एक मेटेरियल मॉडल को रिप्रेजेंट किया, दूसरी तरफ क्वांटम मैकेनिक्स ने मोर एक्यूरेटली एक मैथमेटिकल मॉडल को नेचर को रिप्रेजेंट किया। तब क्लासिकल मैकेनिक्स ने एक मेटेरियल मॉडल को और क्वांटम मैकेनिक्स ने एक मैथमेटिकल मॉडल ऑफ नेचर को रिप्रेजेंट किया। The dawn of new era begins. So on the contrary, they are complementary to each other. So at last we can say the quantum mechanics is more general in the sense that the journey is one way from quantum to classical. And not from classical to quantum. So ये था हमारा history of quantum mechanics. So guys, hope you all like this video. Comment करो कि video कैसा लगा. We'll discuss quantum mechanics briefly in the next videos. So आप हमें बताएं कि आप कौन से topic पर video चाहते हैं. So we can make that video as soon as possible. So guys, like, share and subscribe the channel and don't forget to click on the bell icon. So stay tuned, we'll meet in the next video.